हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर जो भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब आपको सुनाया जाएगा और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं लिखता जाऊंगा। आप पेन कॉपी साथ में रखिए, जो भी ज़रूरी बातें हों आप लिखते जाइए, नहीं तो ध्यान से सुनिए। तो पहला यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश या किस मिशन द्वारा हुआ था, तो आप जानते होंगे, मैं पढ़ाया भी हूँ, कैबिनेट मिशन द्वारा। तो कैबिनेट मिशन 1946, ये ध्यान रखना, इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यदि पूछेगा कि इसे निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि 2 वर्ष 11 माह, 11 माह 18 दिन लगे, 18 दिन लगे। तो ये सभी लोग जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान द्वारा सभा का गठित किया गया, ये किस डेट को किया गया, तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान ये 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को, ये बात आप ध्यान रखना। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदा, आप एक एक को लिखते जाइए, सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये अस्थाई सदस्य थे। ये आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए, तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ये ध्यान रखना, अस्थाई सदस्य चुने गए। और यदि आपसे पूछें कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था, तो वी एन राव द्वारा संविधान सभा, ये सलाहकार भी थे, ये ध्यान देना, और इन्हीं के मतलब प्रारूप पर तैयार भी किया गया था, ये ध्यान रखना है। चलिए, प्रारूप समिति के यदि बात किया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको ये बताना है कि भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संबंधित थे, और ये प्रथम कानून मंत्री भी थे, ये ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री भी थे। ये किस राज्य से संबंधित हैं, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये बी आर अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा कि जे वी कृपलानी, तो ध्यान रखना, जेवी कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो जो झंडा दिवस एक कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर, ध्यान रखना, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो संविधान का प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे तो पहले तो कुंजी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये संविधान की कुंजी है। तो प्रस्तावना में जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ये किस सब मतलब संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बेलसावा संविधान संशोधन, ध्यान रखना, बेलसावा संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। तो बेलसावा संविधान संशोधन आपको रखना है, याद रखना है, जो संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को, और उसी के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये सब शब्द जोड़े गए हैं। यदि बात किया जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अब इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है, अपना संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और ये पूर्णता लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर, ध्यान रखना, 26 नवंबर 1950 को ये पूर्णता लागू किया गया। और मतदाता जो दिवस है इसके एक दिन पहले मनाया जाता है 25 जनवरी को, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थे, अनुच्छेद थे, और भागों की संख्या कितना था, तो 395, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। तो अनुच्छेद 395, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। वर्तमान में बात किया जाए तो कहीं कहीं पर देता है कि अनुच्छेद 444 या 450 से अधिक हैं,
लेकिन 395 ही अनुच्छेद है वो उसके क्या है, परिवर्तित रूप है। बात किया जाए तो अनुसूचियाँ 12 हो गई है, बाकी 22 भाग ही हैं वर्तमान में, मतलब 395, 12 और क्या 22, ये ध्यान रखना उसके पार्ट हैं जो कि 450 बोला जाता है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछा जाए तो कितना, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक। और जो नवी अनुसूची है वो भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी द्वारा वो जोड़ा गया था 1951 में, किस सन में, 1951 में उसे जोड़ा गया था, वो जो भारत का भूमि सुधार संबंधित अनुसूचियाँ हैं उसे, और दल बदल को 92 वाले संविधान, उसके बाद 73 वो आपका क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद 73वें के बाद 74वें में आपका आ जाएगा नगरपालिका। ये ध्यान रखना है 73वां और 74वां, ये 52 दस दल बदल से है, 10वां जो अनुसूची है ये दल बदल से है, 73वां पंचायती राज से और 74वां नगरपालिका से, ये ध्यान करना, थोड़ा सा याद करने में समय लगा है ना, ठीक। तो ये संपूर्ण याद कर लेना कि नवा जो था नवी अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन, और 52 द्वारा दल बदल, 73 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74 द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप लिखते जाए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए आगे चलते हैं। यदि अब आपसे पूछे कि भारत के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, या अभी पहले तो 1 से 5 भाग देख लेते हैं, जो 1 से 5 भाग है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, 1 से 5 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, एक मिनट 4 होगा, 5 से 11 तो नागरिकता है, ये ध्यान देना, 1 से 4 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता है, और 12 से 35 ये आपका मौलिक अधिकार है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। 36 से 51 इसे संशोधित कर लेना, वो गलती से 5 निकल गया था, तो 1 से 4 में क्या है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट इस टेरिटरी बोला जाता है, और जो नागरिकता है आपका ये 5 से 11 है, ध्यान देना, और 12 से 35 जो है ये आपका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हो, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात कह रहे तो 36 से 51 है, 36 से 51 है, ध्यान रखना, और मूल कर्तव्य की बात करें तो 51 कामें हैं, ये ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण है। असंघ की बात करें तो 52 से 151 के बीच में है संघ, और राज्य की बात करें तो 152 से 237 के बीच में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कि उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, विषय हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन लाइनर में कि प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया, तो अमेरिका ने दिया, किस देश ने दिया, अमेरिका, ये ध्यान रखना, प्रथम लिखित संविधान। अब भारत का सबसे बड़ा संविधान है लेकिन ये लचीला भी है, क्या है, लचीला, सबसे कठोर जो है सऊदी अरब का है, ध्यान देना। यदि बात किया जाए कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो 18वें में है आपात उपबंध, और निर्वाचन किस में है, तो निर्वाचन आपका 15वें भाग में है, निर्वाचन किस में है, 15वें भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ये सब सेशन मैं पढ़ाया हूँ, यदि अभी तक आप देखे ना हो तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं निर्वाचन की, जो कि 324 से 329 के बीच में बताया जाता है, 324 से 329, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, निर्वाचन 324 से 329 के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली, कौन थे, फजल अली, फजल अली, ये आप ध्यान रखना, राज्य जो पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। यदि आपसे पूछा जाए कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो किस संशोधन द्वारा, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा ये पूर्ण राज्य बना। यदि आपसे पूछा जाए कि जो संविधान की संप्रभुता है ये किसमें निहित है,
तो ये जनता में निहित है। कहाँ निहित है? संप्रभुता ये जनता में निहित है, ये ध्यान रखना। ठीक, और भी बातें हो जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991, ये ध्यान रखना, दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा मिला है। यदि बात किया जाए कि जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से, ये ध्यान रखना, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है। चलिए, यदि आपसे पूछा जाए कि संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो भाग याद रखना ये 20 भाग में है, XXX ऐसे, ठीक, ये 20 भाग में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 368 अनुच्छेद में है, 395 में, ये 368वें क्रम पर है, और 370 के लिए विशेष दर्जा था जो हट गया, और 352 ये आपात उपबंध है 360 के बीच में, ये ध्यान रखना, 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध है। चलिए, अब यदि आपसे पूछा जाए कि वन या पर्यावरण ये सूची का कौन सा सूची का विषय है, तो सूची 3 बताया गया था, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय है, पर्यावरण किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ये ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ये ध्यान रखना ये बातें। यदि बात किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज्य व्यवस्था, जो कि अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायती राज्य व्यवस्था। तो इसके 3 खंड होते हैं, मतलब 3 क्रम होते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था का जो सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत होता है, ये ध्यान देना, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत की चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार लेता है, कौन लेता है, राज्य सरकार लेता है, त्रिस्तरीय जो शुरुआत होता है। अब पूछ ले कि पंचायती राज्य व्यवस्था जो त्रिस्तरीय ये शुरुआत किस समिति द्वारा हुआ था, तो ध्यान रखना ये सब पढ़ाया गया है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये आप याद कर लेना। और यदि अभी तक इसे ना समझ पाए हो तो इस पर 25 से सेशन, मतलब 20 से 25 सेशन पढ़े हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट या समिति पर ये पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, और सबसे पहले कहाँ लाया गया ये भी बात जरूरी है जानना। तो 2 अक्टूबर, ध्यान देना, 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर ज़िले में, किस ज़िले में, नागौर ज़िले के बगधरी गांव में, कौन गांव में, बगधरी गांव में। तो बगधरी ये राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर ज़िले के बगधरी गांव में लाया गया था। चलिए, यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि भारत की नागरिकता लेने या खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितना होता है, तो 10 से 7 वर्ष, कितना, 10 तथा 7 वर्ष, ये ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार ये भारत संविधान के 12 से 35 के बीच में है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और यदि मूल संविधान में बात किया जाए तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में देखा जाए तो 6 ही हैं, वर्तमान में 6 ही हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे, मतलब एक मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब इसको 300 का के अंतर्गत रखा गया है, 300 का के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ये, मतलब इसे हटाया गया 21 संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
इसे हटाया गया और हटाकर एक क्या बना दिया गया, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूल संविधान में देखा जाए तो सात ही थे, क्या थे, सात मौलिक अधिकार थे, एक को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए और भी बातें हो जाएं। तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, ये मूल कर्तव्य भी पहले 10 थे, अब 11 हो गए। पहले तो ये समझ लो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और 51 का में है। मूल कर्तव्य कहाँ है, 51 का में है। अब पहले 10 था, अब 11 था। 11वां ये बेलसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए यदि आपसे पूछे कि ये किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गला सूख रहा है, है ना। चलिए अब बात किया जाए यहाँ से अस्पृश्यता का अंत 21 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप ध्यान रखना अनुच्छेद 17 में है, और जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है ये 19 का में है। 19 का में ध्यान रखना, 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता है। निजता का अधिकार ये आपका 21 में है, इसी में सोने हथकड़ी जितने भी हैं सब अधिकार हैं। ये अभी तक वो सेशन ना देखे हो तो देख लेना, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष को जो निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, तो ये 6वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा, 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखना। और जो 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को जोखिम भरा काम करवाया जाता है वो अपराध है। 24 अनुच्छेद 24 के शोषण के विरुद्ध अधिकार उसमें है, ये ध्यान रखना। और संसद के यदि अंग पूछा जाए, तो ये मैं काफ़ी बार बोला हूँ पढ़ाते पढ़ाते कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद देखा जाए तो ये 52 होता है। इनका वेतन की बात किया जाए तो ये 5 लाख होता है। शपथ की बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, और ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, ये ध्यान रखना। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इन्हें प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो अनुच्छेद 63 में है। कहाँ है, अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के न रहने पर इनके शक्ति मिल जाता है। और इनके वेतन की बात किया जाए तो 3.5 लाख रुपये है, 3.5 लाख रुपये ध्यान देना। उपराष्ट्र पहले वेतन था 1.25 लाख था। चलिए आज पहला पार्ट था, यदि इसका दूसरा भी पार्ट जल्द ही मैं लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, गर्मी बहुत अधिक है।